राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने लगी है। आज राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन किया है। वसुंधरा ने चुरू के सालासर बालाजी मंदिर में पूजा की और फिर जनसभा भी की। वहीं जयपुर में भी बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन हुआ। इससे साफ जाहिर है कि राजस्थान बीजेपी में अंदरूनी कलह जारी है। देखिए हर्षा कुमारी सिंह की ये दिलचस्प रिपोर्ट। वसुंधरा राजे के जन्म दिवस के अवसर पे भव्य आयोजन। हमारी विचारधारा की सरकार। दूसरी ओर जयपुर में भाजपा के युवा मोर्चा का प्रदर्शन। जाहिर है भाजपा में कश्मकश जारी है, लेकिन वसुंधरा के आयोजन में विधायक और सांसद का जमावड़ा। राजस्थान में अब राजनीति गरमा रही है, लेकिन वसुंधरा ने इनकार किया कि उनका ये कार्यक्रम कोई शक्ति प्रदर्शन था। इन सब की मंदिरों की बहुत बड़ी एक किस्म से आस्था है लोगों में, और मेरे मन में भी बहुत आस्था है हनुमान जी की। तो वैसे भी मैं उपासक हूँ, तो इसलिए आज इनके चरणों में आना, ये सब मंत्र उच्चारण के साथ पूरे राजस्थान की समृद्धि, प्रगति, विकास के लिए पूजा वूजा करना, इतने सारे लोगों को उसका हल और फायदा मिलना, मुझे विश्वास है कि मिलेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। विदा करने का संकल्प लेना। युवा मोर्चा के कार्यक्रम में जयपुर में पार्टी इंचार्ज अरुण सिंह शामिल हुए और फिर सालासर निकल गए। पार्टी एकजुटता का संदेश तो दे रही है, लेकिन खींचतान बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी में मेरी तरफ से आप लिख लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए कि कोई गुटबाजी नहीं है, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। देवता के दर्शन करो, केक काटो, जन्मदिन मनाओ, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आज का आंदोलन समय की मांग था। उनका जन्मदिन 8 तारीख को है, मैं भी गुलदस्ता लेके बधाई देने जाऊंगा। वसुंधरा राजे के जन्म दिवस का भव्य आयोजन, दूसरी ओर भाजपा युवा मोर्चा का कार्यक्रम। पार्टी में संकट बढ़ते देख संकट मोचन वर्कर अरुण सिंह भागे भागे जयपुर आए। पहले युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शरीक हुए और फिर सालासर बालाजी पहुंचकर वसुंधरा राजे को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। जाहिर है अब चुनाव दूर नहीं है और इस राजनीतिक मंच पे सबको खुश रखना एक राजनीतिक मजबूरी बन चुकी है। सालासर बालाजी से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।